सारे नेता शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गोवा वालों मुझे बताओ जरा, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हैं, ये गोवा के युवा के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? एक और पूरा एनडीए का कुनबा है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ 10 साल से सरकार चलाकर भारत का गौरव बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन है, उनका कोई नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। भाइयों बहनों मुझे बताओ, ऐसा होने वाला है नहीं, स्वप्न में भी संभव है नहीं, मगर भगवान न करे और ये इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? बता सकते हैं क्या? शरद राव इस देश को संभाल सकते हैं? गोवा वालों बताओ हाँ या ना, संभाल सकते हैं? ममता बनर्जी संभाल सकती है? बीमार स्टालिन संभाल सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी संभाल सकते हैं? और अंत में एक बार पूछता हूं, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है। भाई और बहनों, ये लोग देश नहीं संभाल सकते। एक पत्रकार ने इंडी अलायंस के एक जोकर जैसे नेता को पूछा कि भाई आप बहुमत मांग रहे हो, मगर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा, हम सब बारी बारी बनेंगे। भाइयों और बहनों, इनकी गंभीरता देखिए। 30 साल तक इस देश ने 80 सरकारों को झेला है, उसका खामियाजा भुगता है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने वाली टीम, अगर कोरोना आई तो इस देश को कोरोना के बाहर निकाल सकते हैं क्या? बताओ तो, इस देश को सुरक्षित कर सकते हैं? आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं? नक्सलवाद समाप्त कर सकते हैं? इस देश को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बना सकते हैं क्या? भाई और बहनों, ये कर सकते हैं तो अपने बेटों बेटियों का भविष्य बना सकते हैं, गोवा के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते। सारे नेता शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, स्टालिन जी बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गोवा वालों मुझे बताओ जरा, जो अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए काम करते हैं, ये गोवा के युवा के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? गोवा के युवा के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब, खिदिरपुर। के मॉल, विच इज डिजाइंड एज अ वर्ल्ड क्लास मॉल, इज द आउटकम ऑफ एंडलेस एफर्ट ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, कंबाइंड विद मॉडर्न सुपर्ब टेक्निक्स एंड न्यू एज डिजाइन। बुक नाउ।